कायद की उर्दू जो थी वो पख्तूनों की उर्दू से भी कमज़ोर थी। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है पख्तून। वो कहते थे ये जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है। होती मर्दान में मेरी पैदाइश 1923 जी। 1940 में मैं गया फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, तो मैंने ग्रेजुएट वहाँ से किया जी। और फिर जो इम्पोर्टेंट बात है कि 42 से 44 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चला गया जी। वहाँ मैंने जिना साहब से मुलाकात हुई। वो आया करते थे, वो कहते थे कि अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता अनडिवाइडेड इंडिया में, अब हमारी डेस्टिनी जो है वो पाकिस्तान है। कायद कहता था मेरे मैसेज तुम पहुंचाओ थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया जी, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बड़े स्टूडेंट गए, फैल गए, कोई फ्रंटियर आए, कोई पंजाब आए, कोई क्या क्या। ये पाकिस्तान का ठप्पा जो था मेरे ऊपर ये अलीगढ़ में लग गया जी। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, यूपी वगैरह में, वहाँ पर जो कांग्रेस का एटीट्यूड था उससे खौफ पैदा हो गया कि ये तो अभी अंग्रेज़ बैठा हुआ है और ये इस किस्म का सलूक हमारे साथ कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ जब चला जाए तो हम तो बिल्कुल इनके रहम करम पे रह जाएंगे और ये तो हमें खा जाएंगे। इसलिए जी मैं पेशावर गया जी। कायद ने कनिंगम पार्क में उन्होंने तकरीर की जी। कायद की उर्दू जो थी वो पख्तूनों की उर्दू से भी कमज़ोर थी। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दैट जी। वो कहते थे पख्तून, लाखों लोग बैठे हुए थे, ये जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है जिन्ना साहब ये ठीक कर रहा है जी। मैंने देखा जी जो पेशावर में यूनियन जैक को नीचे आते हुए और पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर जाते हुए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा जी। रुपीस का जो हमारा शेयर था वो हिंदुस्तान नहीं दे रहा था जी, और यहाँ पर तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं था खजाने में इसी। मगर ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था, कोई सेक्रेटरी इंडियन को तो बना बनाया सेक्रेटेरिएट मिल गया दिल्ली में जी। दे हैड टू डू नथिंग जी। लोगों ने काम करना शुरू किया, न कागज़ था, न पेंसिल था, न पेन था, कुछ भी नहीं था जी, न रबर था जी। मगर इतना जज्बा था जी, ये कैप देखे ना जी, द ब्यूरोक्रेसी कैप द स्टेट गोइंग, बुनियाद रखी उन्होंने जी। कायद की वफात की खबर हमने सुनी जी पेशावर में, हम तो है इस कदर दुख हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी, तमाम डिप्टी कमिश्नर को कहा कि हर ज़िले में हेडक्वार्टर में रैली निकालो प्रो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, के पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा और लायम रहेगा। इसी चुनाव जी अयूब खान गया हुआ था स्टेट विजिट पे अमेरिका, कैनेडी और जैकी कैनेडी उसकी बीवी दोनों एयरपोर्ट पे थे टू वेलकम द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट। देन अयूब खान एड्रेस कांग्रेस थी और उसमें उन्होंने कहा, अयूब खान ने कहा हम तुम्हारे दोस्त हैं मगर दोस्ती जो है वो एक तरफ से नहीं होती है, इसी ताली बजती है दोनों हाथों से जी। अयूब खान ने जो उसकी तकरीर थी उसमें लोगों ने बड़ा उसको सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। ये एक लड़ाई थी, जंग थी, जिसमें फौज और आवाम जो थे वो एक पेज पर थे जी, एक पेज पर थे जी। लाहौर में लोगों ने
बहुत खाने वाने और ये वो इसी यू नो वो सब फौज के पीछे थे जी, सब लोग पीछे थे। मुझसे लोग पूछते हैं कौन जिम्मेवार है पाकिस्तान को तोड़ने का, मैं आंसर दी टॉप ऑफ द लिस्ट से याया खान जी, ही वॉज इन द ड्राइविंग सीट जी, ही वॉज इन द ड्राइविंग सीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। नंबर टू जुल्फिकार अली भुट्टो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन जी, एंड नंबर थ्री शेख मुजीबुर रहमान जी। मिस्टर जिन्ना वॉज इनकरप्टेबल, लियाकत अली खान वॉज इनकरप्टेबल, ख्वाजा नाजिमुद्दीन वॉज इनकरप्टेबल, फेरोज खान नून द लास्ट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर इनकरप्टेबल, आईक्यू उसका बहुत हाई नहीं था मगर करप्शन का सवाल नहीं पैदा होता था। हमारे जनरेशन ने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया जी, मगर अब ये जो यूथ है ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की हिफाजत ये लोग करेंगे। फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंग पीपल जी, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान की हिफाजत करें, और ये करप्ट लीडरशिप है इनको इनके खिलाफ जिहाद करें जी इसी जी। अगर वो भी नहीं निकलेंगे फिर पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ जी।